शक्ति स्वरूपा माता ने बेनो वदन ने योग्य वडिलो ऋषि चिंतन चैनल मां आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। आवो गायत्री महामंत्र साथे साथे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोध वचन 40। लोक कल्याण कार्यो घरे रहीने पण करो। पोतानी जवाबदारी पूरी थया पछी एवं अन्याय अनिवार्य नथी के बधा घर छोड़ीने निकले तथा तीर्थाटन करीने लोको मां श्रेष्ठ विचारोनो प्रचार करे। जेमनामां एम बनी सके एवं होय एमणे तो अवश्य ए प्रमाणे करे, परंतु लोक कल्याणना कार्यो घरे रहीने पण थई सके छे। आखू जीवन कमावामां खर्ची नाख्यू, हवे बचेला समय ने नष्ट थतो बचावो जोईए अने ज्यां सुधी शक्य होय त्यां सुधी पोते पूर्ण परमात्मा लागी जवुं जोईए। मारू आज भजन छे। महाराष्ट्रना पुणा जिलामां एक सन्यासी थई गया जेमनुं नाम हतुं स्वामी परमानंद। तेवो रात्रे माळा जपता अने दिवसे झोळामां खुरपी वृक्षोना बी धरू लईने निकळी पड़ता अने पोताना संपर्क क्षेत्रमां वृक्षो वावता वावता जरूर मुजब रोपवानुं बंद राखी पाणी पीड़ावता। आ परमानंदी कार्यने अन्य लोको पण वावा पाणी पीड़ावामां अने ढोरथी बचावा वगैरे कार्योमां साथ आपवा लाग्या। एना परिणामे ए आखो विस्तार हरियाली वन बनी गयो अने तेवो कहता मारु तो आज भजन छे। एना परिणामे स्वर्ग जेवी हरियाली प्रत्यक्ष जोई शकाय छे। महाराष्ट्रना देशमुखनो एकनो एक पुत्र रोड उपरना खाडाने लीधे मोटरसाइकल परथी उथली पड्यो अने मृत्यु पाम्यो। भला देशमुखने अत्यंत दुख थयुं अने पोते कड़िया काम जाणता हता। पोतानी कारमां सीमेंट रेती कॉन्क्रीट डामर लईने खाडा पूरवानुं शरू कर्युं। घणा लोकोए कार्यमां जोडाया, नाना मोटा थई 3000 माइल रोड एमणे आ काम करी पुत्रना आत्माने श्रद्धांजलि आपी। नाना मोटा अनेक कार्यो लागणीशी लोक सेवकनी राह जोई रह्या छे। मिजवानीनुं भोजन भरी होय, नित्य सैकड़ो भूख्याओने भोजन आपनार डॉक्टर मेहता आखा मुंबईमां प्रसिद्ध हता। तेवो पोते आ खबर राखता हता के एठवाड भेगो करवा माटे पोते ज पोतानी गाड़ी लईने त्यां पहोंची जता। खराब एठवार प्राणियोंने खराबी देता अने सारी सारी जे वस्तु होय ते अपंग अने भिखारीओने खवडावता। एमनी कामनी जाणकारी बाद मिजवानी वाळाओने तेओने फोनथी खबर आपवा लाग्या होवाथी एनुं काम सरळ अने कार्यक्षेत्र विस्तृत छे। परमार्थने परमात्मानुं काम मानीने खुशी खुशीथी तेओ દોડ્યા જ કરે છે। અન્ય નાના મોટા શહેરોમાં પણ આવું થાય તો અન્નનું બગાડ અટકે અને ભૂખ્યાને ભોજન મળે। ઉદારતાની મૂર્તિ વિદ્યાસાગર, ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર માત્ર પ્રતિભાવાન જ નહીં પરંતુ દયાળુ પણ હતા। એમના જીવનનો એક દિવસ પણ એવો નહોતો વીત્યો કે જેણે માનવી ગૌરવ વધે એવું એક પણ કાર્ય ન કર્યું હોય। એક દિવસ એમણે સડક ઉપર પડેલી એક દોશી જોઈ, એના કપડાં પણ મળમૂત્રવાળા હતા, બીમારીને કારણે તે કણસતી હતી। વિદ્યાસાગર એને ઉચકીને પોતાને ઘેર લાવ્યા, તેનો ઈલાજ કરાવ્યો, તે સારી થઈ ગઈ। પરંતુ તે અનાથ હોવાથી જીવનભર ભરણ પોષણ કરતા રહ્યા। વિદ્યાસાગરે
कोई तीर्थ यात्रा करी नथी, छता पण ए अनेक हजारों गणो ए पुण्य प्राप्त कर्यो। एमने उदारताना मूर्ति हता, एमने सेवा अने सहानुभूति ने एक क्षणवार पण पोताना जीवन थी अलग थवा दीधी नहोती। माधवराय खत्रे, माधवराय खत्रे तिलक अने अगरकरना सध्याय हता। ए लोकोए निश्चय कर्यो के पोतानी प्रतिभा पेट खातर सरकार ने नहीं वेचे अने गमे तेम करीने पोतानू पेट भरीने जनजागृतिना कार्य करता रहेशे। एमणे उच्च सरकारी पद मेळ्युं हतुं, छतां एनो स्पष्ट इनकार करी जेम तेम करी गुजरान चलावी। एमणे छत्तीसगढ़ मित्र नामनुं दैनिक शुरू कर्युं, त्यारबाद नागपुर जईने देश सेवकनी स्थापना करी, दैनिक पत्रो सिवाय पेवो सर्जन करता रह्या के जेनाथी जनजीवन ने ऊंचे लई शकाय। कोल्हापुरनी ग्रंथमाळा माटे पण एमणे केटलाय पुस्तको लख्या अने अनुवाद कर्यो। ते वखते हिंदीमां आदर्शवादी साहित्यनो अभाव हतो, अत्रेजीए ए अभाव दूर करवा माटे पोतानुं समग्र जीवन होमी लीधुं। लालच अने दबाणनो एवो सामनो करता रह्या अने ए साहित्य साधनानो समयनी जरूरियातनो मोटे भागे पूर्ण करी अने उच्च पदनी अपेक्षा करीने लोक कल्याणमां ए प्रवृत्त रह्या।